हे एवरीवन, मैं हूं अनम, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का लेसन नंबर 2, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। राइटर है रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं। आई एम श्योर आपने उनकी और भी बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी पढ़ी होंगी। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हु इज टोटो? टोटो इज अ मंकी। अब आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोगों को ये एक हॉबी होती है टू कीप पेट एनिमल्स, उनको अच्छा लगता है पेट्स रखना। बट उनमें से ज़्यादातर लोग किसको पेट रखते हैं? या तो डॉग्स, या तो कैट्स, या तो पैरट्स, दीज काइंड ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। लेकिन नरेटर्स ग्रैंडफादर, रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे, उनको बहुत ज़्यादा शौक था पेट एनिमल्स रखने का। और उन्होंने इनफैक्ट एक खुद का एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था घर में, जिसमें कई सारे एनिमल्स थे। तो वो किसको पेट बनाकर ले आए? एक मंकी को। सो ऑब्वियसली अगर मंकी घर में रहेगा तो ह्यूमरस एपिसोड्स तो होंगे ही, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ तो होगी ही। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और थीम भी यही है, एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु कीप पेट्स। जो लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस किस तरह के होते हैं। और ये एक्सपीरियंसेस तो बहुत अलग से ही होंगे जब वो पेट भी अलग से होंगे, लाइक अ मंकी। इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें मैसेज भी मिलेगा कि एक पेट को अपने घर में रखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो जानवर हैं, वो हमारी बात नहीं समझ सकते एकदम से। सो अगर किसी में पेशेंस नहीं है या उसको स्किल नहीं आती उन पेट्स को हैंडल करने की, या वो पेट ही उस तरीके का नहीं है जो घर में रखा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। सो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है अपने ग्रैंडफादर के बारे में और उनके पेट एनिमल्स के बारे में। तो वो बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनको एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक था उनको रखने का। तो इसी वजह से उन्होंने अपने घर में ही एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने कई सारे एनिमल्स रखे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक टोंगा ड्राइवर, एक तांगे वाला, एक मंकी को लेके जा रहा था। तो ग्रैंडफादर को आइडिया आया उस मंकी को अपना नया पेट बनाने का। तो इसके लिए उन्होंने उस मंकी को खरीद लिया उस टोंगा ड्राइवर से। कितने रुपये में? 5 रुपये में। अब उस वक्त 5 रुपये भी, मतलब इट वॉज़ ए गुड मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो खरीद लिया और अपने घर ले आए। उसका नाम उन्होंने रखा टोटो। अब टोटो की कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं उसको। टोटो जो था वो एक प्रिटी मंकी था। नरेटर ने क्या कहा है? ही वॉज अ प्रिटी मंकी। प्रिटी डजेंट मीन दैट ही वॉज सो ब्यूटिफुल एंड बट वो बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत क्यूट था। उसके टीथ वाइट थे, उसके नेल्स जो थे वो बहुत शार्प थे, और जो उसकी आइज थी वो ब्राइट थी। और उसको देख के ही पता चलता था कि वो बहुत नॉटी भी था और बहुत एक्टिव था। इनफैक्ट वो अपनी टेल को भी एज अ थर्ड हैंड यूज़ करता था, कहीं लटकने के लिए, कुछ उठाने के लिए। तो वो सारा दिन ही मतलब कुछ ना कुछ शरारतें करते रहता था, बहुत एक्टिव और नॉटी था। इनिशियली जब ग्रैंडफादर, जब ऑथर नरेटर के ग्रैंडफादर टोटो को अपने घर लेकर आए, तो उसकी प्रेजेंस को एक सीक्रेट रखा गया कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब नरेटर की ग्रैंडमदर को पता चलेगा, जब उनकी दादी को पता चलेगा, तो वो काफ़ी नाराज़ होंगी। क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को मना किया था कि अब आपने नए पेट्स को लेकर नहीं आना, क्योंकि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा पेट्स आप घर में रखेंगे, उतना ही तो उन पर ज़्यादा खर्चा भी होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्पेस लेंगे, और उतना ही ज़्यादा उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो इसी कारण उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेट थे, तो दादी ने उनको मना किया हुआ था कि और पेट्स आपने लेकर नहीं आने। बट स्टिल नरेटर के दादाजी फिर भी मंकी को ले आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वक्त के लिए उस मंकी को एक क्लोज़ेट में छुपा दिया। क्लोज़ेट मीन्स एक बड़ी सी अलमीरा जो दीवार के अंदर ही फिट हो जाती है, और उसमें मतलब वॉक इन करके हम जा भी सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने टोटो को हाइड किया, छुपाया, और ताकि टोटो यहाँ वहाँ भाग ना पाए या कुछ कर ना पाए, तो उन्होंने टोटो के गले में एक रस्सी डाल के उसको एक पेग यानी एक तरह की खूंटी से बांध दिया वॉल में, ताकि वो ज़्यादा मूव अराउंड ना कर पाए।
लेकिन टोटो इतना स्मार्ट था या इतना शरारती था, इतना नॉटी था कि उसने वो पेग भी उखाड़ दिया दीवार से, वो यहाँ वहाँ कूदा, उसने नरेटर का यानी रस्किन बॉन्ड का जो ब्लेजर उस अलमीरा में टंगा हुआ था उसके उसके इतने मतलब उसको कतरा कतरा कर दिया फाड़ के, और जो एक बहुत एक्सपेंसिव वॉलपेपर लगा हुआ था उस अलमीरा की दीवार पे, जो कि ग्रैंड मदर का बहुत ज़्यादा फेवरेट वॉलपेपर था और बहुत एक्सपेंसिव भी था, उसको भी टोटो ने फाड़ दिया अपने शार्प नेल्स को यूज़ करके। अब इतना नुकसान होने के बाद टोटो से नाराज होने की बजाय या अपने डिसीजन पे अफसोस करने की बजाय ग्रैंडफादर ने टोटो की साइड ली। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत स्मार्ट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, देखो इसमें कितना दिमाग है कि इसने जहाँ मैंने इसको रखा, इसको एक तरीके से कैद किया, उससे निकलने के लिए उसने इतना सब कुछ कर दिया, और इनफैक्ट अगर मैं थोड़ी देर ना आता तो शायद ये किसी खिड़की वगैरह से ये भाग भी चुका होता, ये इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। तो ग्रैंडफादर ने टोटो की साइड ली। उसके बाद टोटो को कहाँ रखा गया, एक बड़े से केज में, सर्वेंट क्वार्टर्स में, जहाँ एक बहुत बड़ा पिंजरा जिसमें ऑलरेडी बाकी के एनिमल्स भी रह रहे थे। एक टॉर्टोइज था, दो रैबिट्स थे, एक स्क्वायरल थी, एक गोट थी यानी कछुआ और खरगोश और गिलहरी और बकरी और ये सब एनिमल्स थे, और ये सब एक दूसरे के साथ एक ही केज में बहुत पीसफुली रहते थे, बिल्कुल भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे। तो जब टोटो को उन एनिमल्स के साथ उनके केज में छोड़ा गया तो उसने बाकी के एनिमल्स को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको इनफैक्ट रात में सोने तक नहीं देता था टोटो, हमेशा उनको तंग करता था। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद दादा नरेटर के दादाजी यानी उनके ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था। अगर आप नहीं जानते हो तो आई शुड टेल यू दैट जो रस्किन बॉन्ड हैं वो रहते हैं उत्तराखंड में, मसूरी रहते हैं वो, तो उनका ज़्यादातर जीवन वहीं देहरादून या मसूरी में ही बीता है। और सहारनपुर एक और सिटी है जो पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। खैर, तो वहाँ ग्रैंडफादर को जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। अब उस टाइम तो पेंशन वगैरह ऑनलाइन अकाउंट में नहीं आती थी, तो जाकर ही लेनी पड़ती थी। तो अब ग्रैंडफादर के सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि टोटो का क्या किया जाए, क्योंकि उसको घर पे छोड़ के नहीं जा सकते थे, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसको पिंजरे में यानी एक केज में छोड़ के भी नहीं जा सकते थे बाकी एनिमल्स के साथ, क्योंकि वो तो उनको परेशान ही कर देगा बिल्कुल। तो फाइनली जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा सहारनपुर। तो इसके लिए उन्होंने एक कैनवस बैग लिया। कैनवस एक कपड़ा होता है जो जो बहुत थिक होता है, मोटा होता है, ताकि टोटो उसको अपने शार्प नेल से फाड़ ना सके। तो एक बैग लिया, बैग में टोटो को डाला और वो चले गए ट्रेन से अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। जब वो रेलवे स्टेशन पे गए, जब प्लेटफॉर्म पे गए, तो वहाँ भी टोटो ने काफ़ी सीन क्रिएट किया। जहाँ भी ग्रैंडफादर वो बैग रखते थे टोटो उछलना शुरू हो जाता था, और जो सारे लोग थे वो क्यूरियस थे जानने के लिए कि आखिर इस बैग में है क्या, ये अपने आप से क्यों जंप कर रहा है हवा में। एनीवेज जैसे तैसे ग्रैंडफादर ने टिकट ली और वो अपनी सीट पे जाके बैठे ट्रेन में। तो कुछ वक्त बाद टीसी आया, टिकट कलेक्टर आया। अब टीसी क्या काम करता है, टिकट्स चेक करता है लोगों की। तो उसने जब देखा कि जैसे ही वो बैग से टीटी आया तो टोटो ने बैग से एकदम से अपना मुंह बाहर निकाल लिया। तो जो और उसके उसको हंसने लगा, उसको चिढ़ाने लगा अपने टीथ दिखा के। तो जो टीसी था वो काफी चिढ़ गया और उसने ग्रैंडफादर को कहा कि ये डॉग है और डॉग के चार्जेस अलग लगेंगे। ग्रैंडफादर ने उसको बोला कि तो डॉग है ही नहीं, और उससे थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, बट टीटी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जो भी है आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे इसकी टिकट के। तो ग्रैंडफादर को 3 रुपीज देने पड़े टोटो की टिकट के लिए। एनीवेज जैसे तैसे वो आ गए वापस अपने घर, और फाइनली काफ़ी दिन गुजर चुके थे तो ग्रैंड मदर ने भी फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया उनके घर में। और टोटो को अब कहाँ रखा गया, उसको उनकी पेट डोंकी नैना के साथ रखा गया। नैना बहुत पीसफुल थी, बहुत अच्छी थी, बिल्कुल शरारतें नहीं करती थी, बट टोटो ने तो उसका भी जीना हराम कर दिया। वो उसकी जब उसके पिंजरे में टोटो को छोड़ा गया
तो वो अपने टीथ और अपने नेल्स की मदद से उसके कान पे एकदम लटक गया और उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो ऐसी ऐसी वो चीजें करते ही रहता था, एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था। टोटो को नहाना बड़ा पसंद था और उसका एक पर्टिकुलर रिचुअल था, उसका एक स्टाइल था नहाने का। तो वो हॉट वाटर में नहाता था, अपने टब में पानी डलवा के, और फिर सबसे पहले जैसे इंसान करता है अपनी एक उंगली डिप करके चेक करता था पानी का टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर इज़ गुड, पानी गर्म है, तो वो एकदम जंप करके टब में जाता था, फिर अपनी एक सोप उठा के अपनी बॉडी पे रब करता था, और जैसे सब लोग करते हैं, इंसान जैसे करता है बिल्कुल वैसे ही वो नहाता था। तो उनके घर वालों को भी बड़े मज़े आते थे उसको देखने में कि चलो अब इसका देखते हैं कि टोटो अब क्या करेगा। तो वो एंजॉय करता था इस तरीके से। बट एक दिन वो उसने कुछ ऐसा किया कि उसकी जान खतरे में आ गई। एक बार क्या हुआ कि ग्रैंड मदर ने एक बड़ी सी केटल में किचन में पानी उबलने के लिए रखा, एक बड़े से बर्तन में। तो टोटो आया, उसने एज यूजुअल पानी में डिप की फिंगर, और पानी तो ज़्यादा गर्म था नहीं, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग था। तो उसने उस टब में, उस बड़ी सी केटल में जंप कर दिया। बट वो था तो एनिमल ही ना, उसमें इतना नॉलेज नहीं था कि नीचे से आग जली हुई है, ये पानी और गर्म होते ही जाएगा और ये उबलने लगेगा। तो कुछ ही देर में पानी उबलने लगा, और टोटो चाहे कितना भी स्मार्ट हो, बट वो इतना स्मार्ट नहीं था कि उसमें इतना दिमाग हो कि वो उस केटल से बाहर आ जाए। उसको कुछ समझ नहीं आया तो वो उस केटल में ही कूदने लगा। लकीली ग्रैंड मदर टाइम पे आ गई, और जैसे तैसे उन्होंने टोटो को उस केटल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई, अदरवाइज तो उसने जल जाना था बिल्कुल पानी में। तो एक तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको पूरा पूरा दिन उसका ध्यान रखना पड़ता था। जैसे ही उनकी नज़र हटी तो कुछ भी एक्सीडेंट टोटो के साथ हो सकता था, या तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देता या तो फिर वो किसी और को नुकसान पहुंचा देता, और वो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, बहुत नुकसान करता था। एक बार क्या हुआ कि ग्रैंड मदर ने राइस बना के प्लेट डाइनिंग टेबल पे रखी, और जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि जो राइस था वो जो टोटो था वो पूरा स्टफ़ कर रहा था अपने मुंह में, खा रहा था जल्दी जल्दी, और बहुत सारा राइस बिखेर भी दिया था। और जब ग्रैंड मदर ने उस पर चिल्लाया कि टोटो क्या कर रहे हो, तो जो पानी का ग्लास पड़ा हुआ था टेबल पे, वो उठा के वो पानी टोटो ने ग्रैंड मदर के मुंह पे फेंक दिया। तो ग्रैंड मदर को बहुत गुस्सा आया, उसके बाद उसने बाहर भाग गया, पेड़ से लटक गया, और उसने बहुत एक्सपेंसिव प्लेट्स और ये सब तोड़ा, और वो ऑन एंड ऑफ ऐसे डैमेजेस करता ही रहता था। उनके घर गेस्ट्स आती थी, लेडीज आती थी, तो वो उनके कपड़े फाड़ देता था, उनको डराता था, तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे यूज टू फेस ऑन एवरीडे बेसिस। तो थोड़े टाइम बाद नरेटर के ग्रैंडफादर को ये रियलाइज हो गया कि टोटो उस तरीके का पेट था ही नहीं जिसे घर पे रखा जा सकता हो, राइट? और उनकी मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि रोज रोज इतना ज़्यादा लॉस हो और सामान टूट रहा है और उसको सारा दिन उसको देखभाल करो, तो ये सब कुछ वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये चीज़ ग्रैंडफादर को समझ में आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली उनको टोटो को वापस उसी टोंगा ड्राइवर को बेचना पड़ा जिससे उन्होंने टोटो को खरीदा था। उन्होंने खरीदा था 5 रुपये में और उन्होंने उसको सेल किया 3 रुपीज़ में, और उनको लॉस हुआ 2 रुपीज़ का। खैर ये तो सिर्फ छोटा सा लॉस था, बाकी का जो लॉस टोटो ने एवरीडे बेसिस पे घर पे किया वो था अलग। सो दिस इज़ अबाउट इट, दिस इज़ द स्टोरी। इससे हमें एक मैसेज ये मिलता है कि हर एनिमल को पेट बना के घर पे नहीं रखा जा सकता, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में ही रह सकते हैं। अगर आप उनको अपने घर में लाकर रखने की कोशिश करेंगे तो आप अपना नुकसान भी करेंगे और उस एनिमल का नुकसान भी करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार तो टोटो मरते मरते बचा, वो गर्म पानी में उबलते उबलते बचा, राइट? तो दोनों का ही नुकसान होगा, आपका भी होगा और एनिमल का भी होगा। तो अनटिल एंड अनलेस आप में काबिलियत है उस एनिमल को प्रॉपरली लुक आफ्टर करने की, आप में पेशेंस है, आप में स्किल है उसे ट्रेन करने की, तभी आप उस एनिमल को पेट बना के अपने घर में रखें, अदरवाइज नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट।
इसी चैप्टर का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपलोड किया है, समरी इन इंग्लिश। आई रिकमेंड कि आप वो भी ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर में अपने आंसर्स लिखने की, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको पेपर अटेम्प्ट तो इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में नहीं, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।